फ्रेंड आइए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सोल्व करते हैं और इस तरह यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और हमारे चैनल के थ्रू आप क्लास 9th का पूरा कोर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई डाउट है, पर्सनली डाउट भी है, तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 नंबर रीड करते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो निकालना है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर कैसे बनाएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गिवेन लिख लेंगे। गिवेन जो पॉलिनोमियल वो लिख लीजिए, गिवेन पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस फाइव। ठीक है, तो अब वो पता है कि जब भी हम जीरो निकालते हैं तो इस पॉलिनोमियल का मान क्या होता है, जीरो। जब पॉलिनोमियल का मान जीरो होता है तब हमें जाके क्या करेगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा, मतलब जीरो इसका निकलेगा। तो लिखेंगे 4 0, 4 0 मतलब सॉल्यूशन, 4 0 कहिए या तो सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें क्या करना होगा, इस पॉलिनोमियल को वैल्यू जीरो कर देना है, पी एक्स बराबर जीरो। इस पी एक्स का मान जब जीरो होगा तभी जाके है ना जीरो निकलेगा। तो पी एक्स बराबर जीरो डेट इज क्या लिखोगे, डेट इज यहाँ से लिखोगे पी एक्स का वैल्यू एक्स माइनस फाइव इजकल टू जीरो लिखोगे। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये 5 इधर वैल्यू, तो 0 प्लस 5 डेट इज यहाँ से आपका एक्स इजकल टू 5 लिख गया। तो यही आपका क्या, जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ हेंस लिख सकते हैं, हेंस 0 इज क्या हो गया, 5। इस प्लोनोमियल का जीरो क्या आएगा, 5 आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरह निकालना है, मतलब जीरो ऑफ द प्लोनोमियल मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें सेकेंड में क्या है, सेकेंड में दिया हुआ है क्यू एक्स, क्यू एक्स एक्स प्लस 4। तो इसमें निकालना है, इसको भी लिखेंगे 4 0, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका भी वैल्यू क्यू एक्स को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। डैट इज ए क्यू एक्स किसके बराबर है, एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स इजकल टू 0 माइनस 4, डैट इज ए कितना हो गया, -4। तो एक्स माइनस एक्स का वैल्यू -4 आया, तो यही आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। हेंस 0 इज कितना हो गया, -4, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, इसी में है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपका ये जो पॉलिनोमियल है गिवेन वो आर एक्स में दिया हुआ है, एक्स वेरिएबल था। आर एक्स इजकल टू दिया हुआ है 2x+5 दिया हुआ है, 2x+5। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इसी तरह फिर लिखेंगे 4 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो प्रोनोमियल के लिए आप क्या लिखेंगे, आर एक्स को क्या कर देंगे, जीरो। तो आर एक्स बराबर जीरो डेट इज है, आर एक्स की जगह पे है 2x+5 इजकल टू 0। तो यहाँ से गया तो 2x इजकल टू 0 माइनस 5 डेट इज -5, और यहाँ से एक्स का वैल्यू -5/2 आया, ये 2 डिवाइड हो गया इधर जाकर, तो यही आ गया, हेंस हो गया, हेंस 0 इज कितना आ गया, -5/2 हो गया आंसर। समझ रहे हैं ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, आइए इसी में आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्या कह रहा है ये देखते हैं। फोर्थ नंबर में दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू 3x+ इतना, फिर लिखेंगे 4 0, 0 के लिए, 4 0 के लिए एफ एक्स बराबर क्या है, इस पॉलिनोमियल का मान 0 होना चाहिए। एफ एक्स इजकल टू 0 डैट इज एफ एक्स की जगह पर 3x+1 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से 1 को उधर भेजेंगे तो 3x इजकल टू -1, तो एक्स का वैल्यू -1/3 आया, यही हो गया, हेंस लिख देंगे, हेंस 0 इज कितना हो गया, -1/3, ये आंसर आपका हो गया। समझ रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, 5th नंबर। 5th नंबर में गिवेन क्या है, आपका जो गिवेन है 5th नंबर में वो आपका दिया जी एक्स इजकल टू दिया हुआ, देखिए जी एक्स इजकल टू 5 माइनस 4x दिया हुआ है, तो 5 माइनस 4x लिख लिया। इस तरह फिर लिखेंगे 4 0, 0 के लिए ये जहाँ पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है जी एक्स, इसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। डैट इज 5 माइनस 4x बराबर 0 होना चाहिए, और यहाँ से -4x को इधर रहने दो और 5 को इधर हो, तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू -5/4 हो गया, कट के माइनस दोनों आएगा, चलिए मान माइनस भी इधर जाएगा, तो यहाँ से 5/4 आ गया, x का वैल्यू 5/4 आ गया, यही आपका 0 हो गया।
हैंस 0 इज कितना हो गया 5/4, ये आपका आंसर हो गया। समझ लें, सिक्स क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, देखिए सिक्स में दे रहा है आपको एच एक्स, यह प्रोनोमियल एच के रूप में दिया हुआ है और वेरिएबल एक्स है, एच एक्स इज टू 6x-2 है सिक्स नंबर। इवेन एच एक्स इजकल टू 6x-2 है, इसी तरह इसको भी लिखे 4 0, 0 के लिए एच एक्स का मान क्या कर देना है 0, डेट इज यहाँ से लिख सकते हो, है ना, यहाँ से क्या लिख सकते हो, एच एक्स का वैल्यू है 6x-2 = 0, 2 उधर जाएगा तब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 6x = 2, तो यहाँ से x = 2/6 कट के कितना गया 1/3, एक्स का वैल्यू 1/3 यही आया, तो यही हो गया, क्या हो गया, हेंस 0 ऑफ प्लूनोमियल इज कितना हो गया 1/3, चाहे 1/3 इधर 0 प्लोनोमियल ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिक्स नंबर हो गया। चलिए सेवेंथ नंबर में क्या दिया हुआ, देखिए सेवेंथ नंबर में दिया हुआ आपका पी एक्स इजकल टू एक्स वे कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0, सेवेंथ नंबर में देख सकते हैं गिवेन है पी एक्स इजकल टू एक्स दिया हुआ है, पी एक्स इजकल टू एक्स दिया हुआ है, कैसे सोल्व करिए, वहां पर कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू, ए का वैल्यू 0 नहीं है, तो निकालिए 4 0, यह पी एक्स को भी क्या कर देंगे 0 कर देंगे, डैट इज यहाँ से आप लिख सकते हैं ए एक्स बराबर 0, तो यहाँ से एक्स बराबर 0/a लिखना है, ए का वैल्यू 0 इसलिए नहीं लिया कि अगर एक 0 हो जाता तो 0/0 जो अनडिफाइन होता है, अब यहाँ देखिए 0 को मतलब ए का वैल्यू 0 नहीं है, कोई और नंबर है, तो कोई और नंबर से 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 आएगा, तो एक्स का वैल्यू आपका 0 आ गया, तो एक्स का वैल्यू 0 आ गया, तो यही आपका क्या हो गया 0 आ गया, हेंस 0 इज ए 0 ऑफ पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल का क्या आ गया 0, क्या हो गया 0 जो हो गया 0 हो गया, मतलब सॉल्यूशन हो गया, ठीक है समझ गए। और इसी में एक और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है गिवन में देख लीजिए, गिवन में आपका दिया हुआ है क्यू एक्स इजकल टू 4x, तो यहाँ से लिखेंगे 4 0, 0 के लिए क्यू एक्स बराबर 0, डैट इज यहाँ से 4x = 0, ठीक है, तो यहाँ से बढ़ाओ एक्स इजकल टू 0/4 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये भी इसमें बोल देना, हेंस 0 इज ए 0 ऑफ पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल का क्या बन गया 0, 0 हो गया, समझ गए, इस तरह 8 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सोल्व होगा, कह रहा है कि इफ 2 and 0 ऑफ द 0 द पॉलीनोमियल एफ एक्स इतना, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का वैल्यू निकालना है 9 नंबर। देखिए गिवन पहले पॉलीनोमियल लिख लीजिए, गिवन पॉलीनोमियल क्या है आपके पास, एफ एक्स इजकल टू 2x³-5x² + x + b ये दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे टू और जीरो जीरो है, 2 and 0 are 0s, जीरोज ऑफ प्लोनोमियल, इस प्लोनोमियल का जीरोज है, तो आपको पता है कि अगर कोई भी प्लोनोमियल का अगर 0 दिया हो तो उस पे प्लोनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, डैट इज आप जब P2 निकालेंगे है ना, P2 = क्या हो जाएगा, P2 जो हो जाएगा वो किसके और 0 के बराबर हो जाएगा, डैट इज यहाँ से आप ये लिख सकते हैं P2, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x वहाँ 2 वैल्यू पुट करना है, तो 2 और 2 का क्यू माइनस लिखेंगे 5 2 का स्क्वायर + a × 2 + b, a और b की जगह कुछ नहीं लिखना है, वैसे ही लिखते चल जाना है, तो यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो कितना हो गया, देखिए 2 का क्यू 2 8 हो गया, 8 × 16 हो गया, -2 × 4 4 5 20 हो गया, और +2a + b = 0, यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये सब घटेगा तो 16 में से 20 गया तो -4 हो जाएगा, तो -4 + 2a + b = 0, आगे बढ़ाओगे तो इसे लिख सकते हैं इसको 2a + b = 4, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास 10th बेसिस पे दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, चलिए उसके बाद फिर निकालेंगे अगेन लिखेंगे, अगेन P0 = 0 लिखेंगे, 0 पर भी प्लोनोमियल का मान 0 हो जाएगा, तो 2 0 का क्यू - 5 0 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करना है, a × 0 + b = 0,
यहाँ से देखें जीरो का क्यूब करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, और जीरो में टू से गुणा तो जीरो ये पूरा हो जाएगा। ये भी देखो जीरो का स्क्वायर जीरो, और ये भी करें जीरो हो जाएगा, ये भी एक गुणा जीरो जीरो होगा, प्लस बी बराबर जीरो। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से बी का वैल्यू आपका जीरो मिल गया, बी का वैल्यू जीरो मिल गया, ठीक है। तो यही बी का वैल्यू जीरो निकालना है। अब बी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम एबव इक्वेशन, इस एबव इक्वेशन नंबर है ना, फ्रॉम एबव इक्वेशन फर्स्ट में हम बी का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, तो टू ए प्लस बी का वैल्यू जीरो है, देखिए जीरो रख देंगे बराबर फोर, तो यहाँ से टू ए बराबर फोर हो जाएगा, और यहाँ से ए का वैल्यू फोर बाई टू कट के कितना टू आया, तो यहीं से आपको निकालना था, हेंस ए का वैल्यू टू आ गया एंड बी का वैल्यू जीरो, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, बनाने का प्रोसेस वही है, अलग नहीं है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को कंप्लीट कर लिया, और इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम है, और एक दो बार आप पॉज करके एक दो बार वीडियो को देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।